नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें, बड़ी खबर हिमाचल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यक्रम, ये बड़ी खबर। 13वां समर्थ प्रोग्राम बनाएगी आपदा प्रबंधन, बड़ी जानकारी आ रही है आपको बता दें। सीएम आवास पर मार्च को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे तो सीएम सुखू करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता, यह बड़ी खबर। मार्च फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम में तो हिमाचल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह कार्यक्रम है। 13वां समर्थ प्रोग्राम बनाएगी आपदा प्रबंधन, सीएम आवास ओकओवर से यह मार्च निकलेगा। मार्च को मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम सुखू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। रॉबिन शर्मा संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, मार्च फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर होने जा रही है, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए अजी जी, 13वां ये जो संस्करण है समर्थ सेलिब्रेशन का, ये जो प्राधिकरण है डिजास्टर मैनेजमेंट हिमाचल प्रदेश, उसकी ओर से ये कार्यक्रम किया जाता है और हर वर्ष की भांति ये कार्यक्रम हो रहा है। 13वां ये एडिशन इस साल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो लगातार जो जिस तरह का डिजास्टर हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों देखने को मिला उसकी वजह से इसकी उपयोगिता और बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि रिस्क हमेशा बना हुआ है, जोखिम हमेशा बना हुआ है। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट के पास एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है और उसी को लेकर आज ये कार्यक्रम है। इसमें तीन मुख्य अलग अलग कार्यक्रम है जिसमें सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री सुखू मुख्यमंत्री आवास से एक मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें जिसका मोटिव है मार्च फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसके अलावा इसके बाद इसका कार्यक्रम एक मॉल पर भी होगा। जो मॉल रोड पर कार्यक्रम होगा उसमें एक एग्जीबिशन भी है और एक अभ्यास सत्र भी वहां पर होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, डिजास्टर से जुड़ा हुआ, उसके भी यहाँ पे कार्यक्रम होगा। उसके बाद एक मुख्य कार्यक्रम जो इस प्रोग्राम का होगा वो HHH हॉलीडे होम में होगा, वहां पर विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम है वो होंगे और मुख्यमंत्री वहां पर विशेष तौर पर शिरकत करेंगे। तो इस तरह का पूरे दिन का ये आज का कार्यक्रम है और खास तौर पर देखा जाए तो डिजास्टर के उससे आपदा की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन मौजूद रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो जगत सिंह नेगी है रेवेन्यू मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से जुड़े हुए जितने भी नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा तमाम गेस्ट जो चाहे आप हिमकोर्स से ले लीजिए, हिम HPSDMA से होंगे, इसके अलावा बहुत सारे और जो विभाग है जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं उनके भी यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वो होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मार्च फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम के तहत आज मार्च निकाला जा रहा है, बता दें सीएम सुखू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बढ़ेंगे आगे, उधर हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निपटारा करने को लेकर प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। जिन्होंने कहा कि दरअसल जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठकों के जरिए जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं प्रदेश सरकार के सामने आती हैं, इसीलिए इस प्रकार के बैठकों का आयोजन आगे भी किया जाएगा ताकि जनजातीय क्षेत्र के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण न किया जा सके। प्रदेश सरकार अगले एकेडमिक सेशन से लाहौल स्पीति जिले के स्कूलों को की विंटर क्लोजिंग पर विचार करेगी। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।
जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बड़ा थकड़ है अपना विजेंद्र तो। अरे ताऊ, फसल के पूरे दाम सीधे खाते में आते हैं इसकी। फसल बीमा के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाता ये। इसे कुछ भी परेशानी होती है तो झट से ऑनलाइन जाता है और इसका काम हो जाता है। अरे विजेंद्र, ऐसी कौन सी धाकड़ पहचान है तेरी जो तेरा हर काम जल्दी जल्दी हो जाता है? अपने वाले धाकड़ से मतलब? अरे ताऊ, अपने मोदी जी और मनोहर लाल जी जो हम किसानों के पीछे मजबूती से खड़े, हम पे कोई भी मुसीबत आए उससे पहले ही उससे लड़े, तो हुए ना वो धाकड़। ये बात तो तूने सही कही बेटा। अब बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है सरकार। फसल खरीद का 76,000 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया, 7,000 करोड़ के बीमा क्लेम को सेटल करवाया और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को 72 घंटे के अंदर उनकी पैदावार का भुगतान कराया। जो ठाना वो कर दिखाया। ब्रेक के बाद स्वागत है खबरों में, आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अजुंका में फ्लाइंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया। ये फेस्टिवल 4 दिनों तक चलेगा। इसमें देश विदेश के कई पैराग्लाइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में भूटान, नेपाल, म्यांमार समेत भारत के पैराग्लाइडर्स हिस्सा ले रहे हैं। शिमला में पहली बार इस तरह के फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में जीत हासिल करने वाले प्रतिभागी को 2 लाख का इनाम मिलेगा, दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रतिभागी को 1.5 लाख और तीसरे नंबर पर प्रतिभागी को 1 लाख का इनाम रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों भारी बारिश की वजह से डिरेल हुई पर्यटन कारोबार को भी वापस पटरी में लाने के लिए ये फ्लाइंग फेस्टिवल अहम भूमिका निभाएगा। आपदा के बाद हमारी सरकार का ये प्रयास रहा कि सब फटाफट से टूरिज्म का जो उद्योग है उसको रिस्टोर किया जाए। हमें खुशी है कि हमने सड़कों का पुनर्निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू किया है और मनाली तक सभी सड़कों को खोल दिया गया है। दूसरी खुशी ये है कि आज जो ये जुनगा है, यहाँ पैराग्लाइडिंग का पहला ये कंपटीशन होने जा रहा है, फर्स्ट टाइम शिमला में होने जा रहा है। जो पर्यटक यहाँ आएंगे तो जुनगा में भी उनको पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी। और अभी कुल्लू दशहरा आने जा रहा है, उस कुल्लू दशहरा का टीजर हमारे सुंदर सिंह ठाकुर जी ने वहाँ लॉन्च किया है। पहली बार कुल्लू दशहरा में, जो कि आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था, पुनः अपने पैरों पर खड़ा हुआ और 20 देशों के लोग इस कुल्लू दशहरा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें कुल्लू दशहरा में काफ़ी संख्या में कुल्लू मनाली पर्यटक आने की संभावना है। मैं सभी हिंदुस्तान के जो भी प्राकृतिक प्रेमी हैं, जो भी हिमाचल में घूमना आना चाहते हैं और स्वच्छ वायु और का लाभ उठाना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है, पूरी तरह से खुला हुआ है और आप निश्चिंत होकर आइए, निसंकोच होकर आइए, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं। उधर सरकार ने रेवेन्यू से जुड़े मामलों में तेजी लाने के लिए समय सीमा निर्धारित करने का कानून बनाया है, जिस पर के पटवारी कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति जताई है। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और भूमि और राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट से जुड़े संशोधन को लेकर सरकार कर्मचारियों की ओर से की गई मांगों को लेकर विचार करेगी। सोच रहे हैं कि इनके ऊपर घास गिरेगा अगर काम टाइम से ना हो, परंतु इसमें जो है हमारे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जिसमें कलेक्टर से लेकर हमारे जितने भी, अगर आप नीचे से चलेंगे तो हमारे जैसे तहसीलदार हैं, उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं,
फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, फिर हमारे रेवेन्यू के ऊपर के अधिकारी है, सभी को एक समय सीमा में बांधा गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग को जो है कोई मुसीबत के पहाड़ गिरेगा। आखिर सबको मिलके काम करना है, और इस काम अगर हम टाइम से करेंगे तो क्यों हमारे ऊपर कोई एक्शन होगा। तो ठीक है कि इनकी भी समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पर, हमारे पास अभी जो है इनके लिए आधुनिक उपकरणों की कमी है, जैसे अभी हमने लैपटॉप दिए हैं उसमें भी डाटा की कमी है, या जो भी है इनके पास अतिरिक्त इनको बहुत सारे जो राजस्व विभाग के अलावा अलग और काम भी करने पड़ते हैं। परंतु कुल मिलाकर जो है राजस्व विभाग का जो है हमारा एक ऐसा महत्व का विभाग है जिसमें पब्लिक के साथ डायरेक्ट हमारा जो है उनके साथ इंटरेक्शन का भी है, उनकी सेवाएं देना है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा ने कहा है कि हाल ही में PLFS के जरिए पूरे भारत का सर्वे सामने आया है, जिसमें देश भर की बेरोजगारी का आकलन किया गया है। सर्वे के मुताबिक भारत में पिछले 6 साल में सबसे कम बेरोजगारी की दर आंकी गई है। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि केंद्र की मोदी सरकार की जो भी पॉलिसी और मैनेजमेंट है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। वहीं उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने भारत में बेरोजगारी दर को कम करने का प्रयास किया है, लेकिन हिमाचल सरकार इसके बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। उधर भारत सरकार ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आगाज किया है। जिन वीरों ने इस देश को आगे ले जाने के लिए अपने प्राणों को त्याग किया है, कार्यक्रम दरअसल ऊना मुख्यालय पर किया गया है और इसमें विभिन्न संस्थाओं से मिट्टी इकट्ठी की जाएगी और कलश बनाकर दिल्ली को भेजेंगे। इसका उद्देश्य है कि युवा वर्ग के लोग देश के साथ जुड़े, देश की समृद्धि हो। और लालचंद ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान जो पूरे देश में चल रहा है। भारत सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आगाज माटी को नमन और वीरों का बंधन से किया कि जिन वीरों ने इस देश को आगे ले जाने के लिए अपने त्याग किया है उनका हम वंदन करें और मिट्टी को नमन करें। उसी सिलसिले में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम हमारा ऊना मुख्यालय पर है और इसमें हमने विभिन्न संस्थाओं जिन्होंने मिट्टी कलेक्ट कर रखी है वो आज हमें यहाँ पर हस्तांतरित करेंगे और उसका हम एक कलश बना के दिल्ली को भेजेंगे, जहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम 31 अक्टूबर को सुनियोजित किया गया है, प्लानिंग किया गया है और वहाँ कर्तव्य पथ के पास एक वाटिका बनाई गई है जिसमें इस मिट्टी को प्रयोग में लाया जाएगा। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की, और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आज धर्मशाला पहुंचेगी साउथ अफ्रीका की टीम। जी हां, साउथ अफ्रीका की टीम तो 17 अक्टूबर को नीदरलैंड से मुकाबला होने जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये बड़ी खबर, खिलाड़ियों का हिमाचली संस्कृति से स्वागत किया जाएगा। तो आज धर्मशाला पहुंचेगी साउथ अफ्रीका की टीम, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 17 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा मुकाबला, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, खिलाड़ियों का हिमाचली संस्कृति के अनुरूप स्वागत होगा। तो आज धर्मशाला पहुंचेगी साउथ अफ्रीका की टीम, ये बड़ी खबर। 17 अक्टूबर को नीदरलैंड के साथ ये मुकाबला होने जा रहा है, प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के खिलाड़ियों का मुकाबला होने जा रहा है। आज आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो आज धर्मशाला पहुंचेगी, जहां पर हिमाचली संस्कृति के तहत उनका स्वागत किया जाएगा। तो प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, खिलाड़ियों का हिमाचली संस्कृति से स्वागत किया जाएगा, यह बड़ी खबर। आज धर्मशाला पहुंचेगी साउथ अफ्रीका की टीम। और नंदिनी रावत हमारी सहयोगी हमारे साथ इस बीच फोनलाइन पर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नंदिनी, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का जो मैच है वो 17 अक्टूबर को होने जा रहा है, और फिलहाल आज जो जानकारी आ रही है धर्मशाला पहुंच जाएगी साउथ अफ्रीका की टीम, जिनका स्वागत हिमाचली संस्कृति से होगा। जी, आज कड़ी सुरक्षा के साथ उसे धर्मशाला
साउथ अफ्रीका की टीम पहुंच जाएगी, जिसके लिए 17 अक्टूबर को धर्मशाला में मैच होना है। और नीदरलैंड की टीम पहले से ही धर्मशाला पहुंच चुकी है, तो इसी बीच अब कड़ी सुरक्षा के साथ प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं और हिमाचली संस्कृति के साथ में इनका स्वागत किया जाएगा। ये जो मैच हो रहा है वर्ल्ड कप मैच, इसे पांच मेजबानी कर रहा है CHP, जिसकी वजह से ये मैच हो रहा है। और साउथ अफ्रीका की टीम आज जो पहुंचेगी, इससे जो पसीना बहाते हुए नजर आएंगे, अभी बहुत सारी प्रयास करने उन्हें खेल से पहले, तो उसके लिए वो पहले से टीम वहां पे पहुंच रही है। और इसी बीच अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं जी। कितने बजे तक साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो वहां पर पहुंच रही है, फिलहाल ऐसी कोई जानकारी? अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 10 बजे तक का बताया जा रहा है कि टीम पहुंच जाएगी और उसके बाद और वो सीधा VIP गेस्ट की तरह उनको कड़ी सुरक्षा के साथ धर्मशाला में पहुंचा दिया जाएगा। नंदनी, इससे पहले भी एक मैच जो है वो धर्मशाला में हो चुका है, हालांकि वहां पर अगर बात की जाए अफगानिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा था और इंग्लैंड की टीम के लिए जो पिच है काफी ज्यादा काफी फायदेमंद भी रही थी और फास्ट पिच ये रहने वाली है। अब फिलहाल साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच जो मैच यहाँ पर होने जा रहा है, किस तरीके का जो मुकाबला यहाँ पर दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिलता नजर आएगा? अंजलि, ये टीम दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दोनों ही टीम अपने अपने खिलाड़ियों के साथ उतरेगी धर्मशाला स्टेडियम में और उससे पहले पूर्व अभ्यास करेगी, तो दोनों की टीम के बीच अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों ही टीम काफी पहली बार तो उतरने के लिए आ रही है, तो अच्छा मुकाबला हो सकता है, कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी रावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज धर्मशाला पहुंचेगी साउथ अफ्रीका की टीम, 17 अक्टूबर को नीदरलैंड से मुकाबला होना है और फिलहाल धर्मशाला एक बार फिर यहाँ पर जो मुकाबला है, एक महामुकाबला है, उसका साक्षी यहाँ पर बनेगा। इस बार जो टीमें हैं वो होगी साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड। उधर आपको बता दें कि दरअसल नाहन विधानसभा क्षेत्र के धोलकुआ में दरअसल आयरन फैक्ट्री ने स्थानीय लोगों के नाक में दम कर दिया है। प्रदूषण की वजह से लोग गंभीर बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने फैक्ट्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि कई बार तो इस मामले को लेकर शिकायतें की जा चुकी है, मगर कोई भी कार्रवाई फैक्ट्री के खिलाफ नहीं की जा रही है। शासन प्रशासन पूरे मामले को अनदेखा कर रहा है। इसी पर समाजसेवी और आम आदमी पार्टी के नेता नाथुराम चौहान ने प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।